नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। इंदौर के उपभोक्ता संरक्षक संस्था द्वारा शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम बढ़ती मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन दिया गया। उपभोक्ता संरक्षक की राष्ट्रीय सचिव सुमित्रा पवार ने कहा है कि बढ़ती हुई डीजल पेट्रोल और रसोई गैस मूल्य वृद्धि के चलते सभी वस्तुओं में महंगाई की मार आम उपभोक्ताओं पर पड़ रही है। एक ओर कोरोना के कारण लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई के चलते लोग त्राहीमाम कर रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे आम जनता को महंगाई से राहत मिले। वहीं उपभोक्ता निरीक्षण परिषद की राष्ट्रीय सचिव सुमित्रा पवार ने कहा कि मूल्य वृद्धि की एक वजह यह भी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग टैक्स वसूल रही आम जनता से, जिसके चलते भी महंगाई बढ़ रही है। वहीं उपभोक्ता संरक्षण परिषद राष्ट्रीय सचिव ने राज्य शासन द्वारा महंगाई पर लगाम नहीं लगाने पर आने वाले दिनों में प्रदेश में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज हमने जो पेट्रोल डीजल रसोई गैस वगैरह है, इसको बढ़ती कीमत को लेकर के हमने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया था, क्योंकि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस इसके दाम बढ़ गए हैं। तो इसको देखते हुए सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, उससे पूरा उपभोक्ता त्राही त्राही मच गई है सब जगह। एक तो कोरोना की मार और ऊपर से महंगाई की मार, तो इस कारण हमने आज उपभोक्ता संरक्षण परिषद से पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी लागू हो, ये हमने प्रदर्शन किया था। क्योंकि राज्य सरकारें ये अलग अपना कर टैक्स ले रही है और अपने प्रदेश केंद्र सरकार है वो अपना राज्य अलग टैक्स ले रही है, इससे महंगाई आसमान को छू रही है और हर उपभोक्ता त्राही त्राही मची हुई है। तो इस कारण हमने जीएसटी लागू करो, अगर केंद्र सरकार हमारा निवेदन नहीं स्वीकार करती तो हम आगे से उपभोक्ता संरक्षण परिषद की ओर से बड़ा आंदोलन करेंगे। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में लाने के लिए क्या आपने इसके? जी हाँ, हमने जीएसटी पेट्रोल डीजल के जो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो हम जीएसटी लाने के लिए, दायरे में लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। मेरा परिचय मित्रा पवार पटेल, उपभोक्ता संरक्षण परिषद जागो ग्राहक जागो प्रदेश। किस चीज़ को लेकर आपने ज्ञापन दिया? आज हमने जो पेट्रोल डीजल रसोई गैस वगैरह है, इसको बढ़ती कीमत को लेकर के हमने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया था, क्योंकि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस इसके दाम बढ़ गए हैं। तो इसको देखते हुए सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, उससे पूरा उपभोक्ता त्राही त्राही मच गई है सब जगह। एक तो कोरोना की मार और ऊपर से महंगाई की मार, तो इस कारण हमने आज उपभोक्ता संरक्षण परिषद से पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी लागू हो, ये हमने प्रदर्शन किया था। क्योंकि राज्य सरकारें ये अलग अपना कर टैक्स ले रही है और अपने प्रदेश केंद्र सरकार है वो अपना राज्य अलग टैक्स ले रही है, इससे महंगाई आसमान को छू रही है और हर उपभोक्ता त्राही त्राही मची हुई है। तो इस कारण हमने जीएसटी लागू करो, अगर केंद्र सरकार हमारा निवेदन नहीं स्वीकार करती तो हम आगे से उपभोक्ता संरक्षण परिषद की ओर से बड़ा आंदोलन करेंगे। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में लाने के लिए क्या आपने? जी हाँ, हमने जीएसटी पेट्रोल डीजल के जो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो हम जीएसटी लाने के लिए, दायरे में लाने के